Good done, powered by Bali Hide and Seek. दादी अच्छा हुआ कि आपने मुझसे फिर से शर्त नहीं लगाई। अभी तो आपने पिछले 1000 भी नहीं दिए मुझे। ओ लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, तेरी शर्त के मैं सारे पैसे दे दूंगी और ऊपर से 1000 रुपया और। वो क्यों? वो इसलिए कि अब तुझे और मुझे ही इन दोनों की प्यार की गाड़ी को ना आगे धकेलना पड़ेगा। हाँ, इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बोल, शर्त है मंजूर? ठीक है, मंजूर। तो बताइए, लव मैरिज या अरेंज? क्या ऐसे अब? माफ कीजिएगा, मुझे लगा सासू माँ कमरे में होंगी इसलिए मैं आ गई, मुझे नहीं मालूम था। ऐसे मैं चलती हूँ। एक मिनट, यहाँ आइए प्लीज। ऐसे वो क्या बोल रही थी आप अभी, ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में? नहीं ऐसे लव मैरिज अरेंज मैरिज वो कुछ भी नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही वो। आप ऐसे ही लाल गुलाब लेके घर में लव मैरिज अरेंज मैरिज कर रही हैं? बताइए साफ साफ बात क्या है। वो दरअसल बात ये है जी कि दादी ने मुझे बताया था कि आप सासू माँ को सगाई वाले दिन प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए कि अगर आप इजहार कर देंगे तो वो लव मैरिज, और अगर आप इजहार नहीं करेंगे तो अरेंज मैरिज। बस वही सासू माँ से कोई जरूरत नहीं है उसकी। जब तुम्हारी सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। दोस्त के बहाने से बात करने की कोशिश की थी मैंने, तो बड़े प्यार से कह दिया उन्होंने कि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार तो होता ही नहीं। अब अरेंज मैरिज ही सही, आई डोंट केयर। लल्ला के सारे दोस्तों को तू जानती है, उसके दोस्त है कितने? 2-4 बस गिनती के। हाँ दादी, हमें मतलब है माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं, हम ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो सकता है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, ये सब उसका ड्रामा है, ड्रामा। जिंदल साहब क्यों ड्रामा करेंगे दादी? अरे हो सकता है कि वो अपने दिल की बात सीधे सीधे तुझे कह ना पाया हो। क्या कह रही हैं दादी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब उसने अपने दोस्त का बहाना लेकर अपने दिल की बात तुझे कहने की कोशिश की हो तो? क्या दादी, कुछ भी इससे कैसे, मतलब चंदन साहब और प्यार वार की बातें हमसे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मेरी टांग खींच रही है ना? क्यों नहीं हो सकता, तू और लल्ला दोस्त हैं ना?